हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 और आज का जो कि चैप्टर है यानी कि अल्टरनेटिव करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम। अल्टरनेटिव करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को यानी कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए। उस बारी बारी से सभी पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, शाखा का कंडक्टेंस G' द्वारा निर्धारित किया जाता है। और दोस्तों यानी कि जी बराबर जो होता है यानी कि 1/2 में यानी कि आर होता है, ठीक है ना। जी क्या है तो कंडक्टेंस है, ठीक है ना। और ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में दिया है यानी कि 1/2। राइट आंसर की बात किया जाए तो 1/2 आर जो दिया है ए में दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में जो दिया है यानी कि आर बटा जेड, तो कॉस फाइव बराबर क्या होता है दोस्तों यानी कि आर बटा जेड होता है। ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है शाखा का यानी कि सस्पेंटेंस, ठीक है, यानी कि शाखा का सस्पेंटेंस। और दोस्तों यानी कि सस्पेंटेंस बराबर जो होता है ना, फॉर्मूला जो होता है सस्पेंटेंस बराबर, ठीक है, सस्पेंटेंस बराबर जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है आपको यानी कि 1/2 में x होता है, ठीक है ना। और r बटा जेड जो होता है किसका होता है, तो ये पावर फैक्टर का होता है, ठीक है ना। cos phi बराबर जो होता है दोस्तों यानी कि r बटा जेड होता है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 1/x वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, दिए गए चित्र में दर्शाए गए धारा की कुल शक्ति होगी, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन जो दिया जाता है कन्फ्यूज करने के लिए दिया जाता है। इसमें देखिए शक्ति ही जब ज्ञात करना है तो पावर बराबर जो होता है दोस्तों यानी कि VI cos phi होता है। क्या होता है? VI cos phi। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे, जो होगा उसमें टिक कर देंगे, है ना। तो ये जो फिगर दिया रहता है कन्फ्यूज के लिए दिया रहता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, बस आप लोगों को समझाने के लिए हम बताए हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया VI1 यानी कि cos phi 1 दिया है, ठीक है। तो 1 वाला क्या दिया हुआ है, यानी कि 1/1 वाला दिया हुआ है दोनों में, है ना। तो 1/1 वाला से यानी कि कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है VI cos phi होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है यानी कि VI2 cos phi 2 होता है, तो 2 से बोले हैं पहले भी, कुछ मतलब ही नहीं है, जब पावर बराबर फॉर्मूला होता है VI cos phi इसके लिए। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में कुल एडमिटेंस वाई की गणना डैश सूत्र द्वारा की जा सकती है, ठीक है ना। ये वाई जिसको यानी कि एडमिटेंस कहा जाता है, ठीक है ना, वाई नहीं पढ़िएगा, ये एडमिटेंस का सिंबल है। और देखिए दोस्तों यानी कि इसका गणना करने का जो फॉर्मूला है ना, इसका गणना करने का फॉर्मूला है ये होता है रूट के अंदर यानी कि G² और प्लस में यानी कि B². ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में कह रहा है G² प्लस B² तो है लेकिन रूट के अंदर नहीं है, इसलिए पहला जो हो गया गलत हो गया। बी में दिया हुआ है रूट के अंदर G² और प्लस B², तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन से, भी वोल्टा सप्लाई पर 3 शाखाओं समानांतर में जुड़ी है, कौन सा परिणाम समान होगा, ठीक है ना। अगर समानांतर में है जुड़ा हुआ, किसमें यानी कि समानांतर में, और समानांतर में अगर जुड़ा है तो ऑप्शन ए में कह रहा है प्रत्येक शाखा में धारा, तो समानांतर में धारा तो समान नहीं रहता है, ठीक है ना। शक्ति यानी जिसको यानी कि वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज समान रहता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, बी में दिया प्रत्येक शाखा का शक्ति गुणांक, सी में कह रहा है शाखा का फेज अंतर, और डी में कह रहा है प्रत्येक शाखा का पर यानी कि वोल्टेज। और दोस्तों समानांतर में जो होता है यानी कि प्रत्येक शाखा में जो वोल्टेज होगा यानी कि वोल्टेज जो होगा यानी कि क्या होगा, तो इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है यानी कि धारा तो यानी कि अलग अलग होगा, ठीक है। राइट आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया है, प्रत्येक शाखा पर यानी कि वोल्टेज, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कह रहा है यानी कि 2-फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन डैश होता है, यानी कि 2-फेज में। और देखिए दोस्तों 2-फेज में जो होता है यानी कि वाइंडिंग का विस्थापन ये होता है आपको यानी कि 90°। जबकि 3-फेज की अगर बात करता तो 3-फेज में जो होता है विस्थापन यानी कि 120° होता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में इससे। तो ए में कह रहा है 180, तो 180 होगा ना, ये जो दिया है यानी कि 3-फेज का, और हमसे पूछ रहा है 2-फेज का, 2-फेज वाला जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, राइट आंसर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कह रहा है यानी कि थ्री फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युत विस्थापन क्या, यानी कि थ्री फेज में से पहले बोले भी थे और क्वेश्चन आ भी गया। और थ्री फेज में यानी कि 120 डिग्री होता है ना, और जबकि यानी कि टू फेज की अगर बात किया जाए तो वहाँ पर जो होता है यानी कि 90 डिग्री होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, 180 तो होगा नहीं दोस्त, बी में दिया है यानी कि थ्री फेज का 120 डिग्री, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि सी में दिया है 90 डिग्री, ये जो है यानी कि सिंगल फेज का है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से आज का, यानी कि फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग डैश होता है, यानी कि क्या कह रहा है, यानी कि समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग होती है, यानी कि फेज बढ़ने से। अगर देखिए अगर फेज है ना, अगर फेज यानी कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, अगर फेज इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेटिंग जो होगा दोस्तों, ठीक है, इसका रेटिंग यानी कि बढ़ जाता है, यानी कि मेनली रूप से यानी कि बढ़ता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में कह रहा है यानी कि बढ़ना, राइट आंसर जो होगा दोस्त ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया हुआ है घटना, तो घटना से कोई मतलब नहीं है, जब यानी कि इसका फेज अगर बढ़ेगा तो यानी कि उसका रेटिंग जो भी होगा यानी कि बढ़ जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज संचारना की तुलना में तीन फेज संचारना की दक्षता होती है, यानी कि सिंगल फेज की तुलना में कर यानी कि थ्री फेज। और देखिए दोस्तों यानी कि इसके तुलना में अगर इस दोनों का तुलना किया जाए तो थ्री फेज की संचारण की दक्षता जो होता है यानी कि सिंगल फेज से बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा होता है, यानी कि अधिक बला होता है। ए में कह रहा अधिक, बी में कह रहा कम, कम तो नहीं होगा भाई, ठीक है ना, कम तो नहीं होता है। बी में क्या कह रहा है यानी कि कम, कम बला नहीं होगा, नहीं समान रहता है, नहीं कहीं नहीं जा सकता, क्यों नहीं कहेंगे, इससे यानी कि ज़्यादा होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न उसका दिया है, बहुफेजीय मोटर डैश कम होती है, यानी कि बहुफेजीय मोटर के बारे में बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि स्व स्टार्ट नहीं होता है, ये तो यानी कि ठीक है भाई, ये तो सेल्फ स्टार्ट जो है यानी कि क्या है, नहीं होता है। बी में कह रहा है स्वतः स्टार्ट है। सी में कह रहा है ऑक्सिलरी सहायक वाइंडिंग की आवश्यकता है, कम होती है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए एक बार, कह रहा है यानी कि बहुफेजीय मोटर डैश कम होती है, इसमें यानी कि ऑक्सिलरी सहायक वाइंडिंग की आवश्यकता जो है बहुत कम होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, थ्री फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है, और फेज अनुक्रम कह रहा है दोस्तों, और फेज अनुक्रम को जो निर्धारित करेंगे, ठीक है, यानी कि फेज अनुक्रम, ठीक है, यानी कि फेज अनुक्रम इंडिकेटर के द्वारा, अनुक्रम फेज अनुक्रम इंडिकेटर के द्वारा, ठीक है ना, केटर के द्वारा निर्धारित करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, टेकोमीटर, तो टेकोमीटर के द्वारा स्पीड मापा जाता है ना, स्पीड, और वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टेज मापा जाता है, आवृत्ति मीटर के द्वारा यानी कि फ्रीक्वेंसी मापा जाता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में तीन फेज अल्टरनेटर तुल्यांकन तुल्यकालन, ठीक है, डैश है। ऑप्शन ए में क्या कर रहा है यानी कि सरल, बी में कह रहा है मुश्किल होता है, सी में कह रहा है समान ही होता है, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यानी कि अल्टरनेटर जो होता है, तीन फेज अल्टरनेटर तुल्यकालन जो होगा इसका, यानी कि सिंगल फेज की तुलना में, ठीक है ना, सिंगल फेज की तुलना में जो होगा यानी कि सरल होता है, सरल होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है सरल होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचलन की तुलना में तीन फेज संचलन में तांबा क्षति डैश होता है, यानी कि समान शक्ति में सिंगल फेज की अपेक्षा थ्री फेज में, सिंगल फेज की अपेक्षा कर रहा है यानी कि किस में कर रहा है, सिंगल फेज की अपेक्षा यानी कि थ्री फेज में। और देखिए दोस्तों इस दोनों को अगर अपेक्षा किया जाए, इसका यानी कि तांबा क्षति जो होता है ना, सिंगल फेज की अपेक्षा थ्री फेज में ये यानी कि कम होता है ना, सिंगल फेज में यानी कि ज़्यादा होता है, थ्री फेज में कम होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन सी में दिया है कम, राइट आंसर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, थ्री फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणांक। तो देखिए यानी कि थ्री फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर का जो शक्ति गुणांक होता है यानी कि कम होता है, क्या होता है, कम होता है। थ्री फेज मोटर का यानी कि शक्ति गुणांक जो होता है यानी कि ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में कर अधिक, तो थ्री फेज का अधिक होता है लेकिन सिंगल फेज का कम होता है इसके अपेक्षा में, तो राइट आंसर यानी कि कम वाला हो जाएगा, जो कि बी में दिया हुआ है, ठीक है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, सिंगल फेज संचरण प्रणाली की तुलना में थ्री फेज संचरण प्रणाली, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि निर्भर योग्य नहीं होता है,
सिर्फ बी में कह रहा है निर्भर योगी होती है, सी में कह रहा है अधिक निर्भर योगी होती है, और डी में कह रहा है कि समान होता है, तो समान तो नहीं होगा और निर्भर की कोई बात ही नहीं है भाई, एकदम निर्भर होता है। और निर्भर जो होता है ना, ये निर्भर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अत्यधिक निर्भर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुफेजीय प्रणाली में फेज अनुक्रम डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि फेज अनुक्रम, ठीक है, यानी कि फेज अनुक्रम, ठीक है, और फेज अनुक्रम जो प्रदर्शित किया जाता है ना, इसको प्रदर्शित करते हैं आपको, यानी कि आर वाई बी, रेड येलो और ब्लू, ठीक है, रेड येलो ब्लू। ऑप्शन किस में दिया, आर वाई बी, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। बहुफेजीय प्रणाली में फेज अनुक्रम डैश द्वारा प्रदर्शित होता है, तो दोस्तों यानी कि सेमी क्वेश्चन से, यानी कि आर वाई बी के द्वारा प्रदर्शित होता है। आर का मतलब रेड, वाई का मतलब येलो, बी का मतलब यानी कि ब्लू। ध्यान रखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और क्वेश्चन आएगा इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्टार जोड़ के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल जोड़े जाते हैं, यानी कि स्टार के लिए कह रहा है। और दोस्तों यानी कि स्टार के लिए जो जोड़ा जाता है, वाइंडिंग के सिरे एक जंक्शन पर जुड़े होते हैं, है ना, ये मैं कह रहा है। एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरा से नहीं भाई, ये जो है यानी कि स्टार में नहीं होता है, ये होता है वाइंडिंग के सिरा एक जंक्शन पर जुड़े होते हैं, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, डेल्टा कनेक्शन के लिए वाइंडिंग का टर्मिनल जुड़े होते हैं, वो स्टार वाला था और ये डेल्टा वाला, और डेल्टा का जो जुड़ा होता है दोस्तों ए में कह रहा है, यानी कि एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरा वाइंडिंग के पहले सिरे, तो ये स्टार में सॉरी डेल्टा में जुड़ा होता है ना, जो कि बी में ए में दिया हुआ है। राइट आंसर ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।